ये याद कर लो कि एक दिन हमें भी जाना है, हा? तो फिर ये पाप तुमसे ना हो, हा? आज हम याद तो नहीं करते, क्यों नहीं याद करते, हा? याद करो भगवान को, उसके लिए भी सुंदर बनो, उसके लिए भी तैयार हो, ऐसे नहीं पसंद करेगा वो तुम्हें, तैयार होके जाना पड़ेगा। कैसे तैयार? कानों में कथा श्रवण के कुंडल पहनो, आंखों में कृष्ण दर्शन की कज्जल लगाओ, होठों पर कृष्ण नाम की लाली पहनो, पैरों में कृष्ण तीर्थ यात्रा की पायल पहनो, नूपुर पहनो, तब कन्हैया तुम्हें अपना बनाएगा। ऐसे बनाने वाला नहीं है। बोलो आपने तैयारी करी? नहीं। केवल दिन भर भाभी जी घर पे है, देखती रही। ये टीवी सीरियल, आज टीवी सीरियल ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। आप देखते हैं टीवी सीरियल, उसमें बिजनेसमैन पति होता है और वो हमेशा 24 घंटे अपनी पत्नी के आजू बाजू मंडराता रहता है। अब समझ में नहीं आज तक बिजनेस कौन करता है फिर, हा? और फिर हमारे देश की देवियां भी सोचती हमारे वाले भी हमारे आसपास रहे। अरे मैया, उनको ये काम करने का पेमेंट मिलता है, तुम भी अपने हस्बैंड को दो, वो भी मंडराएंगे आसपास। तैयारी करो, हा? सजन रे झूठ मत बोलो। अभी खुदा नहीं बोलते, ईश्वर के पास जाना है। अपन कट्टर हिंदू है, बोलो जय श्री कृष्ण। भरत जी महाराज अगले जन्म में बने, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, और अब दिन रात वृंदावन बाके बिहारी का भजन करते, दिन रात भजन करते। उनको ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने बाके बिहारी बैठे हैं। आपकी आंखों के सामने भी बाके बिहारी बैठ जाएंगे जब आप वृंदावन में जाएंगे। और वृंदावन क्या है? खाली मथुरा वाला नहीं, वृंदा माने प्रेम, वन माने क्षेत्र। जिसने प्रेम का क्षेत्र बना लिया उसके जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे।